ये बरसों से यहाँ साहब आते हैं जी। लंगर वगैरह बहुत खिदमत करते हैं। इंदौर में कोई ऐसा नहीं है कि जो ये काम, ये शुरुआत इन लोगों ने ही करी। वो सच्चे दिल से चाहते हैं, हर चीज़ से यानी ये सहमत में हाजिर रहते हैं। और इनका बड़ा करम है कि यहाँ आके सरकार हमारे पीर के यहाँ आके बड़ी खिदमत करते। तो अभी हमारा जो सिलसिला है नक्शबंदी है, हम यहाँ आते हैं खिदमत के लिए। और इसमें जो भी अब तक के जो भी हुआ है, हम यहाँ 15 दिन पहले 20 दिन पहले अब कम टाइम के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ खिदमत गुजार ज़्यादा हो गए। जब पहले वक्त में नहीं हुआ करते थे कोई भी, तो जब से हम ये चीज़ को कर रहे हैं, इस चीज़ को ले जा के लोग अलग अलग तरीक़े से इसको सोच रहे और अलग अलग तरीके का रिश्ता बना रहे दादा पीर से हमारा जी। हमारा रिश्ता यकीदे का है, हम उनको चाहते, दादा पीर हमारे को चाहते, बस यही रिश्ता हमारा। अब हम खानदानों में उसमें सब जा, अकीदतमंद खानदानी नहीं होता है, अकीदतमंद कोई भी हो सकता, आप हो सकते, हम हो सकते, पूरे लोग हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उर्स नहीं करें या कुछ आगे बढ़ के काम नहीं करें। हमारा काम खिदमत करना है, खिदमत लेना नहीं है जी। शुक्रिया। ये सरकार नियाज अली साल सरकार का 130वां उर्स है। यहाँ पर हर साल यजदानी साहब हैदराबाद से आते हैं, वो हज़रत नियाज अली सरकार के सिलसिले नक्शबंद से हैं वो, और हर साल कम से कम 100 से 200 लोग आते हैं वो। और यहाँ पर आकर के सबसे पहले वो संदल में हिस्सा लेते हैं, जो संदल होता है, संदल वो सरकार पे चढ़ाते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह वो लंगर करते हैं, जिसमें लंगर में कम से कम 10,000 लोगों का खाना होता है, जिसमें सर्वधर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए रहता है वो। और उसमें शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है। इसके पहले उन्हीं के साथ इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन और पूर्व कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं, वो आते थे। और यहाँ पर वो हर साल चांदी की चादर पेश करते थे। अभी पिछले 3-4 वर्ष से नहीं आ पा रहे किसी कारणवश वो, लेकिन यजदानी साहब ने इस बार बताया कि अगली बार, अगले साल अजहरुद्दीन जी भी उनके साथ आएंगे।